एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 3। इफ यूनिवर्सल सेट इज नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10, ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, फर्स्ट 5 आर नंबर्स, और आपके पास बी सेट है 2, 3, 5, 7, देन वेरीफाई द डिमार्कर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना इसके साथ स्टार लगा लीजिएगा अपनी बुक में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मुझे कहें ना कि सर आप 5.2 में से किसी एक क्वेश्चन का टेस्ट दें, तो मैं आपको ये क्वेश्चन टेस्ट में दूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। डिमार्गन्स लॉ है जी, डिमार्गन लॉ ये नीचे लिखती हैं, यूजली बुक में भी हैं, लेकिन आपने याद रखना है, ये ज़ुबानी याद करनी है आपने। ये लॉज जो हैं ये पेपर में आते नहीं हैं लिखे हुए, ठीक है, सिर्फ लिखा आता है डिमार्गन्स लॉ, तो आपने इनको ज़ुबानी याद करना है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूँ आपको, तो सेकेंड आप इसी मेथड से आपने खुद करना है और चेक कीजिएगा, और आई होप कि आप कर लेंगे। अभी देख लें, जैसे मैं करूँगा आपने सेम वही मेथड तो करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, और सेकेंड इसका लॉ है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये मैंने मिस कर दिया, ये बी कम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड में करने लगूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, तो मुझे ये पहले फाइंड करना है। करना क्या है, मुझे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, उसका जो आंसर एक सेट आएगा उसका मैंने कम्प्लीमेंट ले लेना है। तो सबसे पहले मुझे करना होगा स्टेप वाइज, पहले मैं करूँगा ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देख लें मैं कैसे करूंगा, बहुत आसान है। पहले ए के मेंबर्स लिख लिए आप 1, 3, 5, 7, 9, ये लिख लिए, गौर से आपने समझना इस क्वेश्चन को। इंटरसेक्शन बी, बी का है जी 2, 3, 5 और 7 मेरे पास मेंबर्स हैं, तो वो मैंने लिख लिए। इंटरसेक्शन में करने लगा, इंटरसेक्शन मीन कॉमन, दोनों में कॉमन होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट्स में दोनों सेट्स में सेम मेंबर्स होने चाहिए। तो एक तो मेंबर मुझे 3 नज़र आ रहा है, मैं आपको एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ, आपने बुक में टेस्ट में या पेपर में रिप्रेजेंट नहीं करना। फिर इसके बाद 5 नंबर आ रहा है, दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है आपको, तो इधर आप 5 लिख देंगे। फिर इसके बाद 7 भी नज़र आ रहा है कॉमन, ये है 7 जी, ये मैंने लिख दिया। लें जी, ये मेरे पास एलिमेंट्स आए हैं ए इंटरसेक्शन बी का। अब मुझे करना है ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, यानी कि जिसका भी कम्प्लीमेंट लेते हैं ना, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में भी बताया, और 5.1 के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें भी आपने देखा था। आप उसे यू में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से यू माइनस ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी आप करेंगे। अब आपको पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेना है, ये है यू वाला यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, इसके मेंबर्स मैं लिख रहा हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है ये आया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे पास आया था जो मैंने अभी फाइंड किया है 3, 5, 7 मैंने वो लिख दिए। अब इनको मैं माइनस करना है, माइनस का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, माइनस का मतलब ये होगा कि आपने सेम वाले नंबर्स को कैंसिल कर देना है। ये मैंने 3 को कैंसिल किया, ये मैंने 5 को कैंसिल किया, ये मैंने 7 को, और जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो आपने नीचे लिख देने हैं। एक मुझे 1 नज़र आ रहा है, फिर 2 है, फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो 4 नज़र आता है, देन 6 है, 7 तो कैंसिल हो चुका है, फिर 8 है, फिर 9 है एंड देन 10। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है जी, ये डिमार्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है जी। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ चलता हूँ, अब मैं देखता हूँ, और मेरा राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों आंसर्स इक्वल आने चाहिए, और राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसमें 3 काम करने हैं आपने स्टूडेंट्स, स्टेप वाइज याद रखने हैं, पहले आप ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर आप बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद उन दोनों का यूनियन आप फाइंड कर लेंगे। तो पहले मैं ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेता हूँ, ए कम्प्लीमेंट का मतलब हुआ यू माइनस ए, पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस ए, ए के एलिमेंट्स आप लिखेंगे और वो हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये मैंने दोनों एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब इन दोनों एलिमेंट्स में फिर वो सब्ट्रैक्शन वाली बात है, 1, 1 से कैंसिल हो गया, सेम नंबर्स कैंसिल करेंगे आप 3, 3 से, 5, 5 से, फिर 7, 7 से और 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास रिमेनिंग नंबर्स आगे 2, 4 जो कट नहीं हुए, जो कैंसिल नहीं हुए, 6, 8 एंड देन 10।
लें जी स्टूडेंट्स, ये मैंने ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, ये आ गया मेरा ए कम्प्लीमेंट का आंसर। अब मुझे क्या करना है जी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड जो अब मैं कर रहा हूँ उसमें बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बिल्कुल सेम यही मेथड आप अप्लाई करेंगे, लेकिन इस दफ़ा बी कम्प्लीमेंट होगा तो आप यू माइनस बी करेंगे। जिसका भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे यूनिवर्सल में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट मैं लिखने लगूँ जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। माइनस बी सेट, बी सेट है जी वो ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, 2, 3, 5 एंड 7, 4 एलिमेंट्स हैं इसके, ये मैंने लिख दिए। अब लें जी मैं माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 माइनस 2 ख़त्म हो गया, 3 माइनस 3 कैंसिल, 5 माइनस 5 कैंसिल, 7 माइनस 7 कैंसिल, और मेरे पास आ गया 1, 4, 6 और 8, 9 एंड 10, ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आपने लिखने होते हैं। लें जी मैंने बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या करना है जी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले ए कम्प्लीमेंट के आप मेंबर्स लिख लेंगे, 2, 4 ये वाले मेंबर्स ये मैंने फाइंड किए हुए, 4, 6, 8 एंड 10 यूनियन बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट का ये आंसर हमने रिसेंटली फाइंड किया, 1, 4, 6, 8, 9 एंड देन 10। और स्टूडेंट्स अब आगे यूनियन की बारी, यूनियन का मतलब क्या है, ऑफ कोर्स आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने इसमें करना क्या है कि आपने अनकॉमन भी लिखने हैं और कॉमन फैक्टर्स भी लिखने हैं और सीक्वेंस में लिखने हैं। जैसे 1 है इसमें, इसमें 1 नहीं है वो भी लिखेंगे, फिर 2 इसमें है दूसरे सेट में नहीं है वो भी लिखना है, फिर 4 दोनों में कॉमन है तो आप वो भी लिखेंगे, फिर 6 दोनों में कॉमन है वो भी लिखेंगे, फिर 8 दोनों में कॉमन है वो भी लिखेंगे, फिर 9 अनकॉमन है वो भी लिखेंगे, 10 कॉमन है वो भी आप इसमें लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट मेरा आंसर आ चुका है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड का आंसर। अब मुझे वेरीफाई करना है कि क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर, क्या ये दोनों आंसर्स इक्वल हैं, तो मैं देख लेता हूँ इसके एलिमेंट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी किया तो आंसर आया था 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, और राइट हैंड साइड पर आ गया 1, 2, 4, 6, 8, 9, इसका मतलब है कि 100% मेरा क्वेश्चन करेक्ट है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह आपने एडी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है, मैंने फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई कर दिया है, अब जो सेकेंड पार्ट है ना ये आपने होमवर्क में करना है इसी तरह बिल्कुल सेम इसी मेथड से, और मुझे चेक कराइएगा और बताइएगा, और आंसर तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम आपने ठीक किया, और अगर ना आए तो कुछ गड़बड़ है, दोबारा से आप चेक कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे ज़रूर बताइएगा।